देश भर में बकरी ईद का त्योहार मनाया गया। यूपी में भी कड़ी सुरक्षा के बीच ईद उल अदहा की नमाज अदा की गई। सरकार के निर्देश के मुताबिक शहर शहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। किसी तरह की गड़बड़ी ना हो इसके लिए ड्रोन से निगरानी की गई। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद पर ईद की नमाज को लेकर भारी भीड़ दिखी। यहाँ बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने पहुँचे। नमाज के लिए बढ़ती भीड़ को लेकर पहले से भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। पूरे क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से नजर रखी गई, साथ ही सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी गई। हम कमिश्नरेट की पुलिस, लखनऊ पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में हम कटिबद्ध हैं, जिन्हें बहुत ही एलिगेंट माहौल, शांतिपूर्वक एवं सुरक्षित माहौल में, खुशनुमा माहौल में इनको हम नमाज पढ़वा सकें। वहीं अलीगढ़ में ईद के मौके पर शाह जमाल में बड़ी ईदगाह पर नमाज अदा की गई। इस दौरान दो शिफ्टों में नमाज पढ़ी गई। ईद की नमाज को लेकर जहां पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आया, वहीं नगर निगम की लापरवाही भी देखी गई। आरोप है कि ईद की नमाज के दिन नाले का पानी सड़कों पर आना शुरू हो गया, जिसे लेकर नमाजियों में काफी रोष दिखा। शहर के मुफ्ती ने इसे नगर निगम की लापरवाही बताया। नमाज को लेकर यहाँ PAC और RAF की कंपनियां लगाई गई। आज 17 तारीख को ईद की नमाज दो पालियों में अदा की गई है और सभी तरह की व्यवस्था शरीर सुरक्षा के लिए एक कंपनी RAF और एक कंपनी PAC भी यहाँ पे बुलाई गई थी। लोगों के सहयोग से सकुशल ईद की नमाज संपन्न यहाँ पर करवाई गई है। उधर मेरठ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर दिखा। पहली बार सड़क पर नमाज अदा नहीं की गई। मेरठ में ईदगाह और बड़े मैदान में नमाज अदा की गई।